नमस्कार साथियों, मैं हूं नवल खाली और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। इस वक्त हमारे साथ जो युवा हैं, वो युवा हैं उत्तराखंड के जो शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग में निकट भविष्य में अब वो आज संजोए बैठे हैं कि जल्दी उनकी नौकरी भी उस शिक्षा विभाग में लगेगी और बहुत एक सकारात्मक दिशा में भी कदम उन्होंने बढ़ाया है। आपको बता दें कि ये ब्रिज कोर्स धारी है, यानी कि आपने शिक्षा विभाग में देखा होगा कि अभी तक डीएलएड जो कोर्स धारी रहते हैं उनको जो है अभी 1900 कुछ पदों पर भर्ती निकली थी और उन पदों में जो है उनको वो उनकी भर्ती हुई थी। इसके बाद जो है जो ब्रिज कोर्स धारी है, ब्रिज कोर्स धारियों को भी अब उम्मीद जगी है कहीं ना कहीं कि अब जो बाकी बचे हुए पद हैं उन पर जल्द ही ब्रिज कोर्स धारी जो युवा हैं वो नौकरी पा सकेंगे। हमारे साथ जो है ब्रिज कोर्स जो संगठन है उसके अध्यक्ष सोनू राणा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मंत्री जो धन सिंह रावत जी है उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें जगी है, क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले तो पहाड़ टीवी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बार बार पहाड़ टीवी के माध्यम से हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुँचाया जाता है। मैं बहुत बहुत पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ पहाड़ टीवी का। आज हम लोगों ने प्रातःकाल माननीय उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। माननीय शिक्षा मंत्री ने हमें बताए कि आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उससे कोई आपका संबंधित तो नहीं है। हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड को प्रेस किया था उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, बल्कि हम लोग ब्रिज कोर्स धारी हैं जिनके पास एक साल का बीएड का कोर्स प्लस उसके साथ साथ जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है जो कि इक्वल टू डीएलएड माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि वास्तव में अगर इनके पास ब्रिज कोर्स है तो ये समतुल्य टू डीएलएड है। तो मैं पहाड़ टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन को आज जो हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री महोदय से हुई तो वहाँ पे हमें मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जरूर आपके बारे में सोचा जाए, जब आपके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है तो क्यों आपको इस नियमावली से बाहर रखा गया है। मैं पुनः उत्तराखंड सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जरूर हमारे बारे में जरूर एक पॉजिटिव या सकारात्मक निर्णय लाएंगे। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ मंत्री महोदय का, एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। बीएड ब्रिज कोर्स महासंगठन की ओर से एक बार कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू राणा जी। लेकिन आपको बता दें कि जो 2900 कुछ पद निकले थे सोनू राणा जी, अभी उसमें से कितने पद खाली हैं, उनके खाली रहने की वजह क्या है और आप लोगों की कितनी उम्मीदें हैं कि जो रिक्त पद हैं उन पर आपकी भर्ती हो? जी बिल्कुल, वर्तमान 2024 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2906 पदों पर भर्ती आई थी और उसमें से मात्र जो डीएलएड वाले थे लगभग 1400-1500 ही मिले उनको। उसके बाद मुझे लगता कि कम से कम 1200-1300 सीटें खाली हैं जो कि अब तीसरी काउंसलिंग पूरी होने के पश्चात उनको विभाग के पास कोई भी डीएलएड अभ्यर्थी नहीं है और संभवतः 1300-1400 सीटें खाली है। ये हमारे पूर्व में जो वहाँ पे आर्य जी थे उनसे भी बात हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि लगभग 1200-1300 सीटें खाली है। जी सर, जैसे कि मंत्री जी से मुलाकात हुई तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारी उम्मीदें भी जग गई हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं तो उनको एक क्वालिटी शिक्षक मिल पाएगा और हम लोग जो है कि एनसीटी की न्यूनतम क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं कि यानी कि जो वर्तमान में भर्ती चल रही जिसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, 1200-1300 पद अभी भी खाली है। साथियों आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों के जो खासकर बात करें कि जो विद्यालय है, प्राथमिक जो स्कूल है, कई विद्यालय ऐसे हैं जो एकल विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि दूसरे किसी टीचर के भरोसे चल रहे हैं, यानी कि कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है और अधिकांश शिक्षक यदि है भी तो एक ही शिक्षक यानी कि एकल जो विद्यालय है उसके भरोसे चल रहा है। ऐसे में पहाड़ों की वास्तव में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे सुदृढ़ बन पाएगी, इसको अब ध्यान में कहीं ना कहीं सरकार को रखना चाहिए। और अभी हाल ही में जो 2900 कुछ पदों पर भर्ती निकली थी उनमें से भी अभी सिर्फ आधा ही यानी कि 1500 के करीब ही जो अभ्यर्थी हैं वो भर्ती हो पाए हैं, क्योंकि इसके अलावा डीएलएड जो कोर्सधारी हैं वो सरकार को नहीं मिल पाए हैं। इसकी वजह से अब जो ब्रिज कोर्सधारी हैं
उन्होंने जो मंत्री हैं धन सिंह रावत उनसे मुलाकात की है। उनका कहना है कि मंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अब ब्रिज कोर्स धारियों को भी कहीं ना कहीं वो इस भर्ती में शामिल करेंगे और पूरा इसको लेकर के एक महानिदेशक को भी उन्होंने एक पत्र लिखा है, तत्काल कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। ऐसे में उम्मीद जग रही है कि जो ब्रिज कोर्स करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी निकट भविष्य में जल्द ही उत्तराखंड के भीतर यानी कि पहाड़ों में ही अपने गांवों में अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगार है और शिक्षक जो बन पाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है कि अब ब्रिज कोर्सधारियों को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं सोनू राणा जी, क्योंकि जो है अब एक उम्मीद तो जगी है कहीं ना कहीं कि भाई आप लोग अभी तक जो तमाम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे या फिर जो है आप लोग जो है अभी तक तमाम अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, तो एक कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। जी बिल्कुल, अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी थे जम्मू कश्मीर दौरा में थे तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, किंतु हम लोग विभाग में गए तो विभाग ने भी हमें गुमराह किया। तो हमने जरूर कहा कि हम मंत्री महोदय आएंगे तो हम लोग मंत्री महोदय से अपनी बात रखेंगे, तो संभवतः आज मंत्री महोदय आया तो उन्होंने हमें कल ही आश्वस्त कर दिया था कि कल आप लोगों का अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप अपनी बात को रख लेना। तो मंत्री महोदय ने जी बिल्कुल जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसे ही मंत्री महोदय ने अच्छे से हम लोगों के साथ शिष्टाचार भेंट की, हमारी पूरी बातें सुनी, हम लोगों ने एनसीटी के जितने भी गाइडलाइन है उसके बारे में बताया। तो मंत्री महोदय ने हमें तत्काल जो हमारे शिक्षा महानिदेशक महोदया है तो उनको कहा कि उनके पास आप जाओ और अपनी बात को वहां पे रखो, फिर हम लोग उस बारे में विचार करेंगे। चलिए ठीक है, और कहीं ना कहीं अब उम्मीद जगी है, कहीं ना कहीं जो ब्रिज कोर्सधारी हैं जो सैकड़ों की संख्या में अभी लगातार इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, और अब उन्हें भी कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है, क्योंकि इनका कहना है कि जो ब्रिज कोर्सधारी हैं वो भी डीएलएड के समकक्ष है, यानी कि जैसे डीएलएड के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षणधारी हैं वो हैं उसी तरीके से जो ब्रिज कोर्स है वो भी है। तो अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं तमाम जो विद्यालय खाली हैं वहां पर भी शिक्षक मिल पाएंगे, क्योंकि लगातार जो 3 काउंसलिंग हो चुकी है और अभी तक भी 50% पद जो है अभी प्राथमिक विद्यालयों में खाली चल रहे हैं। इस शिक्षा विभाग से संबंधित जो और खबरें हैं वो भी हम लगातार आपको बताते रहे, देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार।